नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रोजेक्ट है नमन हैबिटेट। ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और श्री नमन ग्रुप इसके डेवलपर हैं। तो आज ये जो बन रहा है ना, ये अंधेरी वेस्ट में बन रहा है, बरसोबा मार्ग अपोजिट पठारे प्रभु हॉल नियर आजाद नगर मेट्रो स्टेशन। आज ये जो नमन हैबिटेट का प्रोजेक्ट है ना, बहुत ही आप देखें तो प्राइम लोकेशन पे मेट्रो स्टेशन बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे ही है, साथ ही साथ आसपास की कनेक्टिविटी है, वो पूरा डिटेल बताऊंगा मैं। तो आज इस नमन हैबिटेट की बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट भी है जो मैं बताऊंगा। पहले आइए देखते हैं किस टाइप का फ्लैट है, कहां ये लोकेटेड है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, एलिवेशन कैसा है। पहले फ्लैट देखते हैं, उसके बाद फिर मैं बात करता हूं दोस्तों। हाय दोस्तों, अभी जो मैं फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ, ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है और प्रोजेक्ट का नाम है नमन हैबिटेट। ये अंधेरी वेस्ट में बना हुआ है और 19 माले की बिल्डिंग है। ये ऐसे प्राइम लोकेशन पे बना हुआ है कि इसका आने वाले फ्यूचर में वैल्यू काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। ये नीचे छज्जा मिल रहा है आपको देंगे ये, और आप लिविंग डाइनिंग का साइज बहुत बढ़िया दिया हुआ है, यहाँ पे आप डाइनिंग और टीवी यूनिट का एरिया, लिविंग का एरिया प्रॉपर करके दिया हुआ है इन्होंने। अभी हम लिविंग डाइनिंग से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट राइट हैंड साइड से पे कॉमन वॉशरूम मिलता है। इसका कॉमन वॉशरूम काफ़ी ब्रॉड और बढ़िया है। इसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे जाते ही किचन मिलता है। फर्स्ट किचन के बाद फिर 2 बेडरूम का प्रोविज़न किया हुआ है। किचन का भी आप लेंथ देख के समझ सकते हैं। ये स्टार्ट में आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है, इसके बाद फिर एंड में आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस मिलता है। एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया भी आपको मिलता है, यहाँ पर आप इसको फिल करके ऊपर ले सकते हैं, कुछ काम करना हो तो कर सकते हैं। किचन का पूरा स्पेस है। इसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, दोनों बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये इसका कॉमन बेडरूम है, हायर फ्लोर से। वैसे तो मैंने आपको आने वाले फ्लोर दिखाऊंगा, ये मैं आपको जो बिल्डर ने सैंपल के तौर पे बनाया है वो फ्लैट में आपको बता रहा हूँ। आप 4, 5 यानी 4, 5th फ्लोर पे जाते हैं वो क्या व्यू मिलता है हायर फ्लोर के, जो फ्लैट में दिखाऊंगा इसी वीडियो में, उसमें आपको बता दूंगा कि क्या व्यू मिलता है। ये नेक्स्ट आगे वाला दूसरा मास्टर बेडरूम है। ये अंधेरी वेस्ट लोकेशन में आता है। यहाँ पे जो ये डेवलपर हैं, नमन डेवलपर, काफ़ी सारा इन्होंने काम किया हुआ है और एक अच्छा इनका अपने आप में रेपुटेशन है। इसमें कमर्शियल भी है सेल के लिए, कमर्शियल में भी अगर आप इंटरेस्ट हैं परचेस करने के लिए तो भी आप बताएं। इसमें दुकान भी है बेचने के लिए। उन्नीस माले का टावर है, इसमें 2 और 3 BHK है बेचने के लिए। 786 यानी 786 स्क्वायर फुट का, 778 778 स्क्वायर फुट का, 777 777 स्क्वायर फुट का, 3 टाइप का प्रॉपर्टी है इसमें। और अगर प्राइस डिटेल अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उसमें आप फ़ोन करें तो हम बताएंगे। अगर परचेस करना हो तो भी आप मुझे पूछें, फ़ोन करें। अगर आपको डिटेल भी जानना हो तो भी आप फ़ोन करें। बिल्डर के पेरोल पे हम लोग काम करते हैं, आपको दोनों लेवल पे हेल्प करेंगे हम प्रॉपर्टी परचेस करवाने में, ये भी डिटेल जानने में दोस्तों। अभी मैं आपको फिर से इसका जो फर्निश्ड किया हुआ फ्लैट है वहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको अंदाज़ा मिल जाता है फर्नीचर करने के बाद फ्लैट का कितना स्पेस आपका
बच जाता है, क्योंकि खाली फ्लैट तो मैंने आपको दिखाया है। नमन हैबिटेट 19 माले की बिल्डिंग है ये, और इसमें 2 BHK और 3 BHK की प्रॉपर्टी है। आप सामने डाइनिंग बना हुआ है और इधर आपको लिविंग दिख जाता है, मिल जाता है। और 777 स्क्वायर फुट का फ्लैट है ये, काफ़ी एक प्रॉपर बढ़िया साइज और क्वालिटी हर मामले में देखें तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है बिल्डर ने जो बनाया है। किचन, आप वॉशरूम से जब आप आगे जाते हैं तो वास्तु को भी काफ़ी अच्छा ध्यान में रखा है इन्होंने। इसका खाली फ्लैट जो आपने देखा वो भी, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं, इसमें एक यूटिलिटी के लिए आपको अलग से जगह मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं बाहर के साइड भी। अभी मैं किचन, कॉमन वॉशरूम, लिविंग डाइनिंग दिखाया, अभी देखते हैं इसका मास्टर बेडरूम और बेडरूम किस टाइप का है। प्रॉपर ईस्ट वेस्ट व्यू के फ्लैट्स बनाया है इसमें। ये इसका कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं, ऑब्वियस है 777 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, 777 स्क्वायर फुट का तो साइज तो वैसा ही रहेगा इसमें। बहुत ही लेवियस फ्लैट बनाया है इन्होंने, 19 माले का टावर, मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल टच, बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको मेट्रो स्टेशन, मेन रोड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। अब हम मास्टर बेडरूम देखते हैं इसका। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम मिलता है, इसके बाद फिर आपको बेडरूम की साइज आप देख सकते हैं। कैमरे में तो मैं ठीक से कवर कर हो नहीं पा रहा है, बट आप एक्चुअल फ्लैट आके देखें तो आपको पता चलेगा। ये इसका एक्चुअल फ्लैट है, एक्चुअल फ्लैट में ही इनका ये सैंपल फ्लैट बना हुआ है, मैं आपको खाली फ्लैट भी आगे दिखाया हूँ। ऊपर से व्यू भी मैं दिखा दूंगा कि कैसा व्यू है ऊपर से। ये नीचे के फ्लोर पे फ्लैट बना हुआ है सैंपल के तौर पे, बट ये एक्चुअल फ्लैट ही है। और भी कुछ अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस नंबर पे आप फ़ोन करें, साइज जानना हो, प्राइस जानना हो। और ये आप देख सकते हैं, ये इसी बिल्डिंग का बढ़िया एलिवेशन है जिसमें फिफ्थ फ्लोर पे इसका सारा एमिनिटीज़ है। 4 माले तो इसका पार्किंग, पोडियम पार्किंग और कमर्शियल ही है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप फ़ोन करें तो हम आपको और भी डिटेल दे देंगे। ख़रीदना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, उसमें भी मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको परचेस करवाने में दोस्तों। ये इसका पूरा का पूरा बीच का पैसेज है, यहाँ पे इसका लिफ्ट आने वाला है। इधर इसका, इस तरफ इसका स्टेयरकेस आ जाता है। ये तो मैंने आपको फ्लैट दिखाया है, डिटेल जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। हाय दोस्तों, ये मैं नमन हैबिटेट का हायर फ्लोर से फ्लैट का व्यू क्या आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लें। इसके बाद फिर मैं आपको मेन फ्लैट दिखाऊंगा किस टाइप है। ये मैं फ्लोर का खाली व्यू दिखाने लाया हूँ बिकॉज इसका व्यू बहुत अट्रैक्टिव है। ये वेस्ट ओपन मेट्रो लाइन है इसका, और ये पैटर्न है। अभी मैं एक्चुअल फ्लैट की फिनिशिंग क्या है वो आप थोड़ी देर में देख पाएंगे। किचन से भी इसका व्यू बहुत ही अट्रैक्टिव आता है, और इसका बेडरूम से भी आप देखें तो वेस्ट ओपन जस्ट इसके अपोजिट में जो फ्लैट है
ईस्ट साइड वाला, वो ईस्ट में भी इसका फ्लैट का व्यू बहुत खूबसूरत है। ये आप देख सकते हैं, फिर मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाता हूँ, इसका व्यू आप देख लें। ये मेन रोड है इसका और ये मेट्रो का ट्रैक है, सामने मेट्रो स्टेशन है। आगे डिटेल बताता हूँ आपको, ये इसका पार्किंग एरिया है, नमन एरिया हैबिटेट अंधेरी वेस्ट का पोडियम पार्किंग, जो चार माले का सिर्फ और सिर्फ पोडियम पार्किंग एरिया ही है। यार कमाल, इसके फ्लैट्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इतना स्पेसियस फ्लैट ज़्यादातर बिल्डर बनाते नहीं हैं, वो आपको देख जानना चाहिए। अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी दिखाया ना, ये नमन हैबिटेट का, श्री नमन ग्रुप डेवलपर है, नमन हैबिटेट प्रोजेक्ट का नाम है। इन्होंने कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बनाया है, जैसे श्री नमन रेसिडेंसी, नमन मिड टाउन, श्री नमन सारथी, कांदीवली, एल्फिस्टन, अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने डेवलप किया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें नमन हैबिटेट का, तो वो मैं डिटेल बता दूं आपको कि ये 2.5 एकड़ लैंड एरिया है इसका, फ्री होल्ड लैंड है और 19th स्टोरी टावर है, 3 विंग की पूरी सोसाइटी है ये, हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस है, ग्राउंड लेवल इसका बेसमेंट पार्किंग है और फोर्थ लेवल भी पोडियम पार्किंग है। एमिनिटीज इसका पांचवें माले पे है, फिफ्थ लेवल पे है और रेसिडेंशियल इसका फिफ्थ फ्लोर से स्टार्ट हुआ है, फिफ्थ फ्लोर पे इसका एमिनिटीज भी है और फिफ्थ फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल भी स्टार्ट हुआ है कुछ पार्ट में। और रेरा में अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका महारेरा नंबर है P518004108। किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन या न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक बार तो आप रेरा की वेबसाइट पे जरूर जाके देख लें इस नंबर के थ्रू कि क्या उसका डिटेल है, क्या पासिंग है, कितने एकड़ का लैंड एरिया है, पूरी कुंडली आपको पता चल जाता है आप जब रेरा के वेबसाइट पे जाते हैं तो। सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड है, सिटी व्यू फ्लैट है, ज्यादातर हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं, मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी किया हुआ है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, SBI, HDFC, एक्सिस, LIC, IDBI, किसी भी बैंक से इजिली आपको लोन मिल जाएगा। कॉन्फिगरेशन की बात करूं, इसमें 2BHK और 3BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी है, जिसका फर्स्ट जो 2BHK है उसका कारपेट एरिया ह्यूज लग्जीरियस है, आप देखें 783 यानी 783 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है 2BHK का, जिसकी प्राइस 2.50 CR से लेके 2.98 CR यानी 2.5 करोड़ से लेके 2.98 करोड़ के बीच में है। 3BHK का मैं साइज बताऊं 1037 स्क्वायर फुट का है, 1037 स्क्वायर फुट का है, जिसका फ्लैट कॉस्ट 3.5 करोड़ से लेके 3.90 करोड़ तक है और इसमें अगर आप पार्किंग लेना चाहते हैं तो 800,000 का सेपरेट पार्किंग आपको मिलने वाला है। ये इसका प्राइस है 2BHK और 3BHK का। इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह लगेगा दोस्तों। एमिनिटीज की बात करूं, इसमें जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, योगा रूम, इंडोर गेम, जिमनासियम, लैंडस्केप गार्डन, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रन पूल, मल्टीपर्पज कोर्ट, ये कुछ एमिनिटीज है मेन, बहुत से तो और भी कई एमिनिटीज है लेकिन ये मेन जो है वो मैंने आपको बताया। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।